हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आपने सारा मेरा ट्रिप वाला वीडियो देखा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के लिए, लाइक के लिए। और ये है कि अब मेरा रेगुलर ब्लॉग अब मैं स्टार्ट करूँगी। वैसे मैंने प्रॉपर शूट तो नहीं किया था आने के बाद, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ थे। बहुत दिन लॉन्ड्री चली, कपड़े धुले, सूखे, उसके बाद से छोटा मोटा सा जो ग्लिम्स मैंने शूट किया। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं शूट करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो किसी दिन थोड़ा सा हो रहा था। तो जैसे ही मैं आई, आने के साथ ही साथ बोबो के मौसीलों का गिफ्ट आया हुआ था, तो मैंने सबसे पहले उसको थैंक यू, मैंने वीडियोज़ बनाए और उन लोग के मौसी को सेंड किया। सेम डे मैंने ये किया। उसके बाद से बोबो का रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है उनके एनुअल डे का, तो वो बहुत बिजी चल रहा था। तो हम भी कुछ टाइम उसको लेकर के बहुत बिजी थे। क्या हो रहा था, उसका वैन हमारा सेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको आने का टाइम अलग था, जाने का तो सेम टाइम हो रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कुछ टाइम उसमें बिजी रहे, तो फिर मैंने वो भी शूट किया है। और मेरा बर्थडे था इसी बीच, तो मैंने अपने बर्थडे का कोई प्रॉपर ब्लॉग तो मैंने बनाया ही नहीं। और उसके बाद से वही खाना पीना जो बन रहा है, बस वही शूट किया, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊं, और मैं कोशिश तो पूरी रहेगी। सो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए मेरी चीज़ें शूट की है। बगल में महारानी जी ग्रीन टी पी रही हैं, तो ये बोली कि दीदी ग्रीन टी बनाओ। और बोबो आ गया है, दोपहर में मेरा सारा काम हो गया है। दोपहर के अभी 3 बजने को आया है, मेरे को पता ही नहीं चला आज का दिन कैसे ख़त्म हो गया। जिस दिन आप जितनी जल्दी चाहते हो करना, उतनी जल्दी कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप बताइए शिवानी जी, शिवानी जी बताइए। मेरा तो जब से आया तब से ट्रीटमेंट चल रहा है चेहरे का। मेरे चेहरे पे नहीं पता क्या हो गया, वहाँ ठंडी प्लेस से आने के बाद ये छोटे छोटे पूरे मतलब दाने भर गए थे। तो मैंने सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करवाया, जिस वजह और ओवर ड्राई फेस हो रखा था। तो कोकोनट ऑयल मैं रेगुलर लगा रही हूँ, अभी तो नहा के नहीं लगाया है, पर बहुत उस चीज़ के लिए लेकर के एक अलग मतलब चेहरा बहुत ज़्यादा लहर रहा था, और फिर बहुत क्या खिंचा फील हो रहा था। तो दीदी बोली कि चलो तुमको एटलीस्ट दवा ले लो, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, और एकदम रेडनेस हो गया था पूरे फेस पे। एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ, ये कभी भी मेकअप अप्लाई नहीं करती है, सबसे बड़ा रीज़न है ये। मेकअप क्या मतलब, एक नॉर्मल बीबी क्रीम भी नहीं लगाती है, और हमको लगता है गई होगी तो बीबी क्रीम वगैरह हाँ। कुछ लगाया होगा, तो और वो क्या हुआ कि पोर्स क्लोज हो जाते हैं। आलस में हाँ। क्या किए हम ना कि रात में आलस में हटाई नहीं और सो जाते थे, ऐसे बहुत ठंड रहती थी ना, तो फिर पानी यूज ही हाँ। नहीं करते थे, सो जाते थे। तो फिर उसके बाजीनेस में कुछ मतलब मेकअप हटाते नहीं थे, हमको लगता है वो चीज का रिएक्शन मेरे को हुआ है जो यहाँ आकर के पड़ जाए। वहां तक तो फेस बहुत फ्लॉलेस रहता था, पर यहाँ पर मेरी बैंड बच गई, बाप रे बहुत मुश्किल हुआ। पर अभी थोड़ा बेटर है 3 डेज से। हाँ तो होम्योपैथ दवा लिया हम, ले जाओ लेकर के आओ। हाँ अभी देखते हैं। और जितना हाइड्रेट चेहरा रख सके उतना अच्छा है, डॉक्टर बोले बहुत हाइड्रेट रखना पड़ेगा आपको फेस। और यहाँ बोबो जी भी थोड़ा बीमार चल रहे हैं भाई, वो भी आने के बाद परेशान है। सबसे बड़ा परेशान ये है कि इसको पढ़ाई करना पड़ रहा है, तो ये बहुत दुखी है आकर के। चलिए फिर अच्छा हम देख लेते हैं। और आप आगे का वीडियोस देखिए जो मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ छोटी मोटी सा ग्लिम्स जो मैंने शेयर किया। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये रहा बोबो के फर्स्ट मौसी का गिफ्ट, तो ये वो थैंक यू बोल रहा है। और ये रहा सेकेंड गिफ्ट, इसके लिए भी थैंक यू बोला जा रहा है। सो दोनों मौसी खुश हो जाएगी बोबो की। और यहाँ पे हम लोग उसके बाद बोबो को स्कूल एक बार लाने जा रहे थे, सो बोबो को गन्ना खाना था तो हमने गन्ना लिया, और पूजा भी था, तुलसी विवाह भी था, तो ये सारी चीज़ें हम ले रहे थे। गन्ना लिया, उसके बाद बोबो को स्कूल से लिया, और अभिषेक देखो कितने पसंद से अपने पसंद से गन्ना खरीद रहा है। तो गन्ना तो बहुत टेस्टी लगता है इस मौसम में, और हमारे शहर में क्या हमेशा तो नहीं मिलता है, इसी कोई 10 दिन का जो टाइम होता है उसी बीच मिलता है। तो आपको जितना गन्ना खाना है उस समय खा लीजिए बस। हमने तो बचपन में बहुत खाया है गन्ना, तुम खाई है कि नहीं शिवानी? बहुत ज्यादा, और एकदम खेत से तोड़ तोड़ करके सामने मतलब खुद से तोड़ लेते थे। हाँ, नहीं खुद से तोड़ लेते थे नानी के घर में वैसे ही। सो ओवर एंड ऑल बोबो आ गया, और बोबो को गन्ना खाना था, और तो गन्ना खाना गन्ने का जूस पीना था। तो और बोबो का मेरा जो चेहरा उतरा है ना अभी, हम खुद देखो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो गन्ना खाना था तो गन्ना ले लिए हम लोग गन्ना,
और भूभू को गन्ना बहुत पसंद है, तो अभिषेक बोला नहीं लेते, हम एक बार ले लो ना, बच्चे का मन है और हम इतना बचपन में खाए हैं तो एटलीस्ट भूभू को भी खाना चाहिए। तो हम गन्ना ले चुके हैं, भूभू स्कूल से आ चुका है, प्रैक्टिस करके बेचारा थक चुका है, तो बेटा प्रैक्टिस करना है तो अच्छा खासा एक गिलास दूध और सब कुछ खा पी के जाना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो तुम वीक हो जाओगे। वैसे भी ऑरेंज मिल रहा है, ऑरेंज ले लेंगे, ऑरेंज अभी अच्छा वाला नहीं आया है, अभी बस दो चार दिन में आ जाएगा तो ऑरेंज ले लेंगे। प्रैक्टिस करना है बोबो को तो अच्छे से खाना है, और बोबो ट्रिप से आके थोड़ा तो दुबला हो गया है, आज मैंने बेल्ट लगाया तो मुझे पता चला दुबला हो गया है बच्चा। तो चलिए फटाफट जाते हैं घर में, कुछ खाना बनाते हैं, बोबो को खाने को देते हैं, थोड़ा आराम करेगा और सब चीजें करेगा। और मैम को जो स्कूल छूटा था वो होमवर्क ले लिया मैम से, क्लास वर्क मैम नहीं दी, अच्छा ठीक है हम ले लेते हैं, ठीक है चलिए फिर हाँ ले लेंगे। तो फटाफट से चलते हैं, वो बहुत थक गया, बहुत थक गया है, चलिए। और यहाँ हरबड़ी वाला सिंपल सा खाना रेडी है, चावल दाल बोबो का है, प्याज वाला चोखा, ये है बोबो का सिंपल वाला चोखा, ये है बैगन का चोखा, ये चावल दाल, ये मूली चटनी, चावल दाल, चावल दाल, सिर्फ और सिर्फ चावल दाल और चटनी, ये सब खाना है अभी का, और फटाफट से खाया जाए। और ठंडियाँ स्टार्ट हो गई थी तो बोबो के पास विंटर के लिए ड्रेस नहीं था, फुल पैंट नहीं था, तो वही हम और शिवानी लेने के लिए गए थे शॉप में, और स्वेटर की क्वालिटी हमें बहुत पसंद नहीं आ रही थी तो वही हम लोग देख रहे थे, हम बोल रहे थे इसमें ठंड कैसे जाएगा बाबा, बच्चों के लिए ऐसे ऐसे स्वेटर्स ये बनाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और उसके बाद से हम लोग बहुत दिन बाद गए थे, दिवाली में नहीं गए थे, तो अंकल बोल रहे थे कुछ बेडशीट्स आए हैं अच्छे वाले तो एक बार देख लो, तो हम लोग वही देख रहे थे, पसंद भी आ गया था तो हम ले भी लिया था हमने। क्या होता है ना कि इस कलर के बेडशीट हमें बहुत पसंद है, लाइट कलर का, तो वही अंकल बोल रहे थे ले लो। और यहाँ पे वही हम दिखा रहे हैं शिवानी को कैमरे में, तो शिवानी बोलती है मत दिखाओ मत दिखाओ। और ये रहा मेरे बर्थडे का कुछ ग्लिम्स, जो बर्थडे मैंने 12th of November को सेलिब्रेट किया था घर में, शिवानी घर में ही किया था और किसी के साथ नहीं। और ये देखो ये लोग रात में ना क्रैकर्स ब्लास्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं मम्मा का बर्थडे है, अभिषेक बोल रहा था, ये लोग सब बोल रहे थे कि नहीं बर्थडे हम लोग तो करेंगे, लोग बदमाशी कर रहे थे और मेरे को भी हाथ पकड़ के बता करवा रहे थे, ये लोग पागल हो गए थे उस दिन रात में। हमको लगा अगर कोई अगल बगल का जग गया ना तो बोलेगा ये सारे के सारे पागल हो चुके हैं। और बोबो जो करता है वो तो ठीक है, उसके पापा भी वही वही करने लगते हैं, मेरे को तो समटाइम्स ये भी लगता है, ज़्यादा अंतर नहीं लगता है बोबो और उसके पापा में। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक स्वेटी शर्ट पहना था तो उसका टैग लगा हुआ था, न्यू था ना, तो वो अभिषेक मेरे को चिढ़ा रहा था कि ये देखो इसका ऐसा देखो ये टैग लगा हुआ है। हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और कैसे हैं आप सब। सो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा मेरा गैंगटॉक से, और नॉर्थ सिक्किम गए थे घूमने के लिए उसके बाद, और अभी हम लोग बहुत हड़बड़ी में हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में, मतलब सेलिब्रेशन में, तो हम सब रेडी हैं एकदम फटाफट से, और मेरा पर्स भी रेडी है, तो बोबो अपना चॉपस्टिक मुझे दे दिया है, तो आप लोग उन लोगों ने तो देखा ही बोबो का चॉपस्टिक जो उसने खरीदा है, तो अब वो डिसाइड किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ चॉपस्टिक से खाएगा और उसका कोई गाड़ी नहीं जाएगा, नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे हाथ पे हाथ लेके चलो। सो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं बर्थडे पार्टी में और सेलिब्रेशन करते हैं बर्थडे का। केक नहीं लिया है, कुछ बलून्स वगैरह होंगे, कैंडल्स वगैरह सब कुछ लेना है, तो फटाफट से निकलते हैं। और मैंने पहना है एक जैकेट, एक जीन्स ब्लैक, ऑल ओवर ब्लैक, और सिर्फ येलो कलर का जैकेट, तो मुझे ये येलो जैकेट बहुत पसंद आया। और मैं सोच रही हूँ अपना कुछ तो भी पहन, सो पम्प्स हो गया, बहुत बहुत रेडी है, पम्प्स कैसा लग रहा है देखो, चलो। अरे हाँ वो भी न्यू क्रॉक्स पहना है, तो मैं चल के दिखाती हूँ थोड़ा, यहाँ पे सब हड़बड़ी, एक सेकंड दिखा ही देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 देखो ये बोबो का क्रॉक्स न्यू। मेरे को डीओ से एलर्जी है, अब बस चलते हैं। चलो शानी, पूरा घर मैसी हो गया है यार, एक रूम तो हम लोग पूरा कपड़ा ही फैला के छोड़ दिए, और ये बोबो के क्रॉक्स का है, आजकल बोबो भी बहुत ज्यादा फैलाने लगा है। हाँ चलो लॉक कर देगी, क्या हम करें, ताला ऊपर नहीं है, ओके चलिए फिर लॉक कर लिया जाए।
देखिए हम लोग सब बैठ गए हैं गाड़ी में और यहाँ पे केक भी ले लिए हैं और यहाँ बर्थडे गर्ल का है इशू, तुम दिख क्यों नहीं रही है? बर्थडे गर्ल को हम बहुत अच्छे से दिखाएंगे। अरे देखो ना, इतना हड़बड़ी में क्राउन छूट गया, एक क्राउन ले लेते। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है। नेट नहीं चल रहा था। हाँ क्यों नहीं नेट चल रहा था? अरे मेरा फिर हॉटस्पॉट चली है तो वो उतना कंट्रोल नेट तेरा नहीं चल रहा क्यों? वो उसका रिचार्ज कब का खत्म हो गया? हो गया ना तेरा मोबाइल? कब का? कब का मोबाइल देखो, पता ही नहीं है। मोबाइल देखो पहले अपना मोबाइल में। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे जाम में फंसे, इतनी हड़बड़ी में है, हम लोग इतनी हड़बड़ी में है क्योंकि एक पार्टी है, उसके बाद इशू का फिर दूसरा पार्टी है। इसे उस पार्टी में तुम क्या करने वाली है? बहुत बिजी है बर्थडे गर्ल भाई, बहुत बिजी है। तो बर्थडे गर्ल का शेड्यूल बहुत टाइट है। नहीं नहीं, उस वो वाला पार्टी सेकंड वाला पार्टी में ना, फर्स्ट वाला पार्टी का असर दिखाएगा। सो हम लोग जा रहे हैं अपने फेवरेट प्लेस जहाँ हम लोग को जाना बहुत पसंद है, तो हम लोग सब जा रहे हैं। पाएंगे तो जहाँ पाएंगे इतना हमारे शहर में जाम लगने लगा। ओ गॉड, यहाँ से मुड़ नहीं सकते क्या? नहीं तो हाँ, अभी टाइम। हाँ अभिषेक यहाँ से मुड़ लो ना, पीछे पूरा खाली है। मुड़ा लीजिए, मुड़ा लीजिए, मुड़ा लो बेटा, एकदम खाली है। हम लोग भाग जाएंगे फटाक से क्योंकि इधर जाने वहाँ पर जाम। हाँ बहुत जाम है वहाँ। So, हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग मोड़। हाँ मोड़े क्यों ही दे, मोड़ लो तुम एकदम थेथर बन जाओ। हाँ बोलो मोड़ेंगे तो हम अभी। उसको कौन बोला था हड़बड़ी में जाने के लिए? अब हम लोग यहाँ से मोड़ रहे हैं। हाँ मोड़ लो। हाँ कालीबाड़ी में देखो भाई, पार्टी लेट नहीं होना चाहिए, कालीबाड़ी में मोड़ लेंगे। पार्टी टाइम पे पहुंचना है कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर सके। चलो फाइनली हम लोग मुड़ गए, अब हम लोग जा रहे हैं एकदम डेस्टिनेशन पे। रास्ता चेंज कर रहे हैं अब हम। सो आ गए हम यहाँ पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी सब सेटल हो रहा है, सेटल होने के बाद हम लोग ऑर्डर करेंगे। भैया एक प्लेट ले आओ, केक कट करेंगे, ठीक है? हाँ ट्रे में ले आइए, और वो थोड़ा सा हमको माचिस भी ले आइएगा, ठीक है? हाँ सो ओवर एंड ऑल मैंने भेज दिया बर्थ, और जिसका बर्थडे है बोले ऑफ हो गया, सोलर में चार्ज होता है। यार लाइट का ही थोड़ा इशू होता है, अदरवाइज सब अच्छा है। वैसे वीडियो बनाने के लिए लाइट का इशू होता है, अगर वीडियो ना बनाना हो तो फिर कोई लाइट का इशू नहीं होता। बोबो आओ। अब बोबो को शाम में लग गई भूख, और हम लोग एकदम टाइम पे हैं, शाम के 6 बजे हम यहाँ पे हैं, तो इस बात से अच्छा क्या हो सकता है कि आप टाइम पे हो। अब बोबो क्या खा रहा है? क्रैकर्स। बोबो खा रहा है। और आ गए हैं बर्थडे गर्ल यहाँ है। चलो भाई केक कट करो, केक दिखाओ। बोल लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है। और ये सर जो ग्लिम्स है, ये आज दोपहर का है। यहाँ पे मिर्ची तोड़ के हम रख रहे थे धुल के। क्या होता है, धुला रहता है ना, तो फिर आराम से यूज़ हो जाता है। और यहाँ शिवानी बना रही थी चाय, तो चाय शिवानी को पीने का बहुत मन था, तो हम बोले ठीक है चलो थोड़ा पी लेंगे। और आंवला है यहाँ पे, आंवले का सीज़न आ गया है, तो आंवले की चटनी खाना है, आंवले का मुरब्बा खाना है, आंवला आपको जूस पीना है, तो आप जितनी भी आंवला आप कंज्यूम करो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अभिषेक मेरे को एक दवा पिला रहा था, हम किचन में काम कर रहे थे, तो शिवानी वो भी सूट कर ली। और यहाँ पे हम पालक को कट करके धुल रहे थे क्योंकि पालक दाल बनाना था, और यही सारी चीज़ें, और आलू का भुजिया वगैरह बनाए थे, तो यही सारी चीज़ें हो गई। बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।